ईरान और इसराइल, इन दो देशों के नाम अब कीवर्ड बन चुके हैं। क्योंकि इनके बीच जंग छिड़ गई है। ईरान ने इसराइल पर 300 मिसाइलें दागी और कहा कि ये बदला है सीरिया में हमारे दूतावास पर हमला करने का। हालांकि इसराइल ने उस हमले में अपनी संलिप्तता ना तो स्वीकार की है और ना ही खारिज की है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये दोनों देश बड़े ही करीबी दोस्त हुआ करते थे। पर फिर ऐसा क्या हुआ जो अब ये एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं, बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। ईरान और इसराइल की दोस्ती और दुश्मनी दोनों के ही तार फिलिस्तीन से जुड़ते हैं। इसराइल के बनने से पहले इसराइल का क्षेत्र वेस्ट बैंक और गाजा एक ही था और तब इसे फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर यहूदी माइनॉरिटी में थे और अरबी लोग मेजॉरिटी में रहा करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे यहूदियों और अरबी लोगों के बीच विवाद होने लगा। यहूदियों के लिए अलग देश की मांग उठने लगी। फिर विवादों के बीच यहूदी नेताओं ने मिलकर इसराइल नाम से एक अलग देश बनाने का ऐलान कर दिया और फिर दोनों समुदायों के बीच भयंकर जंग छिड़ गई। इस जंग में जॉर्डन और मिस्र जैसे अरब देशों ने फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन दिया, लेकिन फिर भी मिडिल ईस्ट में इसराइल की स्थापना हो गई। इस बीच मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम देशों ने इसराइल को मान्यता देने से मना कर दिया था। ऐसे समय में ईरान आगे आया। तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम देश था जिसने साल 1948 में इसराइल को मान्यता दी थी और तभी से ईरान और इसराइल दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हालांकि कहा जाता है कि ईरान ने कभी खुलकर अपनी दोस्ती का इजहार नहीं किया। अब दुश्मनी की बात करें तो इसराइल और ईरान के बीच दुश्मनी की शुरुआत 1989 में हुई। ईरान में इस्लामिक क्रांति के दौरान इसराइल के सहयोगी कहे जाने वाले ईरान के शाह को गद्दी से बेदखल कर दिया गया और देश में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। इसके बाद आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी को ईरान के सर्वोच्च नेता की गद्दी सौंप दी गई। खुमैनी के समय से ही ईरान का रुख इसराइल विरोधी होने लगा। दोनों देशों के बीच अक्सर तनाव देखने को मिलने लगा। यहीं से दोनों देशों के बीच में तनाव की शुरुआत भी हो गई। आयतुल्ला खुमैनी ने ईरान को पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। साथ ही अमेरिका, इसराइल और उनके दोस्त देशों से दूरी बना ली। नए शासक को लगता था कि ये देश मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं और ईरान की सुरक्षा के लिए खतरा है। आयतुल्ला ने फतवा जारी किया जिसमें उन्होंने घोषणा की कि इसराइल के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित करना और इसराइली उत्पादों का इस्तेमाल करना हराम माना जाता है। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश की यात्रा नहीं कर सकते थे। दोनों देश एक दूसरे का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली दूतावास का नाम बदलकर फिलिस्तीनी दूतावास कर दिया गया था। इसके बावजूद 1980 में इसराइल ने ईरान की मदद की, लेकिन फिर भी इनकी दोस्ती चल न सकी। अरब ईरान ने सीधे तौर पर इसराइल पर हमला कर दिया है। अरब इसराइल इसका जवाब कैसे देता है ये देखना अहम होगा। आज की खबर के लिए महिमा शर्मा की रिपोर्ट।